हरसूद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शिवरिया में चक्की वाले टांडे में छत चबूतरे का निर्माण लंबे समय से ठप है, जिससे ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों ने पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाकर छत चबूतरे के कार्य को तत्काल पूर्ण करने की मांग की है। बताया जाता है कि तत्कालीन विधायक लोकेंद्र सिंह तोमर ने 50,000 रुपये यहाँ छत चबूतरे के लिए विधायक निधि मार्च 2017 में प्रदान किए थे। वहीं राज्य वित्त आयोग जनपद पंचायत स्तर पर 1,00,000 रुपये ग्राम पंचायत को अगस्त 2018 में पंचायत को प्राप्त हुआ था। ग्राम पंचायत ने इसका कार्य प्रारंभ कराया, दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन छत नहीं डाली है। बताया जाता है कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने भी ग्रामीणों की मांग पर इसी छत चबूतरे को व्यापक रूप से निर्मित करने के लिए 2,00,000 रुपये सांसद निधि से 2019 से प्रदान किए थे। यह राशि जनपद पंचायत हरसूद को प्राप्त हो गई है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों की मांग को अनसुना कर शिवरिया के चक्की टांडे में छत चबूतरे का निर्माण पूरा नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण धन सिंह परिहार, अर्जुन सिंह, कमल सिंह, अन्नू भाई ने पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाया है और चबूतरा के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग की है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। हाँ भैया, बताओ क्या समस्या है? ये मंदिर बन रहा था भैया, 1,00,000 रुपये की राशि पप्पू भाई जनपद सदस्य ने दी थी। अच्छा, छह चबूतरा के लिए और 50,000 फिर लोकेंद्र दादा ने दी थी। अच्छा, छह चबूतरा के लिए 60,000 रुपये, ऐसे 1,60,000 रुपये आए थे। और इसमें काम 1.5 साल हो गए से अधूरा पड़ा हुआ, उसके बाद में फिर 2,00,000 रुपये नंदू भैया ने सांसद निधि से छत चबूतरा के लिए दिए। वो भी काम पैसे भी आ गए हैं जनपद में, उसको 2 महीना हुए पैसे आके पड़े हुए हैं, राशि पड़ी हुई है, पर सचिव को बोलते हैं आज लगाता हूँ, कल लगाता हूँ, आज लगाता हूँ, कल लगाता हूँ, झूठ वाला काम ही नहीं लगा, मनमानी कर रहा मतलब उसकी मनमानी चल रही बस। अच्छा, और आगे कुछ बोला था आपने सीओ वगैरह को? कितने समय से अधूरा है? 1.5 साल हो गए, 19 का बाकी हो, 2019 का बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।